नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। 11 अगस्त को भारतीय उद्योग परिसंघ की होगी सालाना बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इशारों में दिया चीन को संदेश, समुद्री विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो। कपिल सिब्बल के घर डिनर करने पहुंची विपक्षी दल की नेता, बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता का किया आह्वान। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को थोड़ा थामेगा ओबीसी विधेयक, 15 विपक्षी दल बिल पास कराने को राजी। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को दी राहत, प्रत्यर्पण के खिलाफ कर सकेंगे अपील। धनबाद के जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे सीबीआई जांच की निगरानी। पटना के मासूम आयांश के इलाज को 16 करोड़ जुटाने में जुटे तेज प्रताप, पीएम मोदी व सीएम नीतीश से भी मांगी मदद। देश में पहली बार इंदौर में सीरो सर्वे में शामिल हो रहे हैं 6 साल के छोटे बच्चे, सीरो सर्वे को लेकर कलेक्टर और सभायुक्त ने 50 टीमों के दिए निर्देश। राजस्थान के आदिवासी बच्चों का होगा उद्धार, जनजाति शोध संस्थान कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ विभिन्न तरह के कर रहा है करार। साइबर क्राइम की शिकार हुई बसपा सुप्रीम मायावती, ऑफिशियल वेबसाइट पर हुई हैक। पंजाब को 15 अगस्त के दिन दहलाने की साजिश नाकाम, पाकिस्तान से आए ड्रोन ने अमृतसर में गिराए ग्रेनेड और टिफिन बम। तमिलनाडु का हर परिवार 2.63 लाख रुपए का कर्जदार, राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किया श्वेत पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में बने किए 2 कीर्तिमान, आदिवासी समुदाय को मिला सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। अपनी ही सरकार के खिलाफ फिर सिद्धू ने साधा निशाना, नशे के मुद्दे पर सीएम अमरिंदर सिंह पर दागे सवाल। बिहार में थर्माकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन, पकड़े जाने पर हो सकती है 5 साल की सजा। सत्रह से 24 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा सत्र, योगी सरकार 20 अगस्त को पेश करेगी अनुपूरक बजट। यूपी में कुख्यात अपराधियों के साथ भू माफियाओं के खिलाफ भी अभियान, मुक्त कराई गई 62,423 हेक्टेयर जमीन। चुनावी साल में 10,000 से ज्यादा बेघर परिवारों को राहत देने जा रही है योगी सरकार, मकान के लिए मिलेगी जमीन। औरंगजेब के पोस्टर को लेकर चित्रकूट के मंदिर में मचा बवाल, पुजारी और महंत समेत 3 के खिलाफ हुई एफआईआर। उत्तर प्रदेश में उफान पर गंगा और यमुना, खतरे का निशान हुआ पार, राहत शिविरों में पहुंचे हजारों परिवार।
मुरादाबाद में टाइल्स व्यापारी ने पिस्टल से गोली मारकर किया आत्महत्या का प्रयास, भतीजे की मौत से रहता था परेशान। संभल में दबंगों की दहशत में एक परिवार ने गांव से किया पलायन, पीड़ित परिवार को सता रहा झूठे मुकदमे का डर। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, बम से उड़ाने की मिली धमकी। जौनपुर में एटीएम कैश वैन लूटने की कोशिश, विरोध करने पर गार्ड को गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में भी ओबीसी आरक्षण पर कवायद शुरू, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हो सकती है 39 नई जातियां। औरैया में सीएम योगी ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की राहत सामग्री, समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फतेहपुर में काकोरी ट्रेड एक्शन में 75 वर्षगांठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का सम्मान, वीर शहीदों को अर्पित किए गए पुष्प चक्र। संभल में युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में एडीजी लखनऊ जोन के पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, सीतापुर पुलिस लाइन में ली गारद की सलामी, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का लिया जायजा। औरैया में बिजली की लाइन टूटकर गिरी, बड़ा हादसा होने से टला, दमकलकारियों ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में अमृत महोत्सव का किया गया आयोजन, डीएम ने शहीद पार्क में किया पौधारोपण। आजमगढ़ में जिला कारागार में बंदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन को लगाया आरोप। महोबा के लोगों से वर्चुअल मुखातिब हुए पीएम मोदी, यूपी सीएम योगी और मंत्रियों ने किया अभिनंदन। फतेहपुर में यमुना नदी में कूदी बुजुर्ग महिला, नाविकों ने दिखाई हिम्मत, जान जोखिम में डालकर बुजुर्ग को बचाया। फतेहपुर में साइबर ठगों पर पुलिस ने लिया एक्शन, लोगों को वापस दिलाए गए पैसे। मैनपुरी में मामूली विवाद में युवकों को मारी गई गोली, अस्पताल में युवकों का इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से इलाके में दहशत, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। बुलंदशहर में व्यापारी सुरक्षा फोरम ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ की नारेबाजी। शाहजहांपुर में अमृत महोत्सव पर कई लोग हुए इकट्ठा, शहर के मुख्य मार्गों पर निकाला गया मार्च, लोगों ने शहीदों को किया याद। शाहजहांपुर में वाल्मीकि युवा शक्ति ने सौंपा ज्ञापन, बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग। सुल्तानपुर के शहर में शहीदों को किया गया याद, अमृत महोत्सव में शामिल हुए कई लोग।
आगरा में मासूम बच्चे सड़क पर सोने को हुए मजबूर, पारिवारिक कलह के चलते बेघर हुए ये बच्चे। अमेठी में अवार्ड रिवार्ड कार्यक्रम का आयोजन, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को किया गया सम्मानित। बलिया में जिले के बाढ़ का कहर जारी, लगातार जारी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल, महिला यात्री की जा रही बदसूली, रेलवे प्रशासन कर रहा मामले की जांच। फिरोजाबाद में जलभराव की समस्या से लोग परेशान, क्षेत्रवासियों को किया धरना प्रदर्शन, मौके पर सपा बलसीर भी रहे मौजूद। जालौन में नेत्र परीक्षण कैंप का हुआ आयोजन, 200 मरीजों का किया गया नेत्र परीक्षण। जालौन में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से दो बदमाशों की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 16 साल से फरार आरोपी किया गिरफ्तार। शाजापुर के नहर में पानी न होने से किसान परेशान, किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, प्रशासन की ओर से नहीं मिल रही है कोई राहत। संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश को भेजा जेल। सिद्धार्थनगर में आंदोलन के तहत परिचर्चा का आयोजन, सीओ अरुण चंद्र ने की कार्यक्रम की शुरुआत। सोनभद्र में अध्यापकों ने की पत्रकार की पिटाई, स्कूल में कोरोना की उड़ाई जा रही है धज्जियां, स्कूल में कवरेज के लिए गया था पत्रकार। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, 300 परिवार बाढ़ से हुए प्रभावित। शाजापुर में अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान, पुलिस ने 85 कारोबारी को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में मोहल्ला क्लास का प्रारंभ, अध्यापकों ने ली बच्चों की क्लासेस। शाजापुर में सट्टा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस ने 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार का अधिकारियों संग बैठक, परियोजनाओं की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। नैनीताल पहुंची बीजेपी पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना ने कहा, पिछड़ों के लिए किया जा रहा है काम। चंपावत में फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विसेज का अधिवेशन, एसोसिएशन के लोगों ने रखी अपनी मांग। हरिद्वार में वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।
रुड़की में कांग्रेस नेत्री अनुपमा रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बेरोजगारी महंगाई के लिए सरकार नहीं उठा रही है कोई ठोस कदम। देहरादून में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खुलेआम कर रहे हैं खनन का काम, डीएम ने एसडीएम को दिए कार्रवाई के आदेश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर दागे सवाल, राशन वितरण कार्यक्रम पर उठाए सवाल, कहा चहेती एजेंसी को दिया जा रहा है राशन वितरण का टेंडर। चरमपंथियों ने माली के गांव में किए हमले, हमले में कम से कम 40 लोगों की हुई मौत। चीन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पसारे पांव, तो 30 से ज्यादा अधिकारियों को मिली लापरवाही की सजा। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीनेट हो चुके श्रद्धालुओं को उमरा जाने की मिलेगी इजाजत। पाकिस्तान में 8 साल के हिंदू बच्चे पर लगाया ईश निंदा का कानून, मौत की सजा का खतरा। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण मामले में बड़ा उछाल, अस्पतालों में भर्ती हुए रिकॉर्ड बच्चे। अफगानिस्तान पर हावी होते तालिबान पर अमेरिका तेज नहीं करे होगा हवाई हमले, पेंटागन बोला यह लड़ाई है आपकी। अपने जापानी समकक्ष से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की बात, चीन व हिंद प्रशांत पर हुई चर्चा। कोरोना के चलते कनाडा ने भारत से सीधी उड़ानों पर 21 सितंबर तक बढ़ाया प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के महत्व को दी मान्यता। रूस में ऑक्सीजन की पाइपलाइन फटने के कारण 9 कोरोना रोगियों की मौत, दिए गए जांच के आदेश। चीन को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का प्रमुख बदला, कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा भी दिया। बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी में एक रैली को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, पीपीपी ही बनाएगी यहां अगली सरकार। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पाक सेना प्रमुख से फोन पर की चर्चा। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन केर्बी बोले, अफगानिस्तान में भारत ने निभाई रचनात्मक भूमिका। अफगानिस्तान की 6 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा, अब मजार शरीफ है अगला निशाना, 31 अगस्त तक लौट जाएगी पूरी अमेरिकी सेना। तिब्बत में विकास के नाम पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है चीन, ल्हासा में एयरपोर्ट का किया विस्तार, दक्षिण एशिया और हिमालय क्षेत्रों में दखल बढ़ना है असली मकसद। यूएन की चेतावनी, अगले 20 साल में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक बढ़ेगा। पाकिस्तान में तोड़ा गया गणेश मंदिर, मरम्मत के बाद हिंदुओं को सौंपा, अब तक 50 लोग गिरफ्तार।
नवाज शरीफ के भाई को फिर से जेल भेजने की योजना बना रही है पाकिस्तान सरकार, गिरफ्तारी कर रही है तैयारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में नहीं दिया न्योता, बौखलाहट में शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर साधा निशाना। चीन में बढ़ते आर्थिक जोखिम से भारत को लाभ, भारतीय बाजार में विदेशी निवेश के साथ बढ़ेगा घरेलू निर्यात। अमेजॉन अपने सबसे बड़े भारतीय सेलर क्लाउड टेल के साथ खत्म करेगी पार्टनरशिप। जल सस्ती होंगी दालें और खाने का तेल, पीएम मोदी ने देश को दाल और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का किया आह्वान। मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पूरे लद्दाख में घूम सकेंगे बेरोक टोक, सैलानियों को इनर लाइन परमिट की नहीं पड़ेगी जरूरत। राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए की घोषणा, एनएचएम में 3 से 5 साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा बोनस। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से पुजारा की हो सकती है छुट्टी, चेतेश्वर पुजारा की जगह हनुमा विहारी को नंबर 3 पर दिया जा सकता है मौका। टोक्यो से लौटी ओलंपिक टीम का जोरदार स्वागत, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़। ओपनिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर केएल राहुल ने लगाया विराम, टीम इंडिया को बड़ी राहत। शेफाली वर्मा का धमाकेदार प्रदर्शन, इंग्लैंड में जारी द 100 लीग में 22 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक, ओपनिंग साझेदारी का भी बनाया रिकॉर्ड। टी20 मैच में सबसे ज्यादा मेडल ओवर फेंकने वाले शॉन टेन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी में बने कोच। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू इस साल नहीं होगी रिलीज, शांतनु बागची इस फिल्म का करेंगे निर्देशन, फिल्म में शारे भाषमी और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में आएंगे नजर। टीवी शोज और फिल्मों के बाद अब साई बाबा पर आ रही है वेब सीरीज सबका साई, एमएक्स प्लेयर ने जारी किया टीजर। अपनी बायोपिक में अक्षय कुमार या रणदीप हुड्डा में से किसी एक को देखना चाहते हैं नीरज चोपड़ा, को जीतने से पहले ही जताई थी इच्छा। ठगी के मामले में शिल्पा और उनकी मां से यूपी पुलिस कर सकती है पूछताछ, लखनऊ से मुंबई पहुंच रही है टीम। जावेद अख्तर ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत से की याचिका खारिज करने का किया आग्रह। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।